राजनीतिक रूप से अलग होने की औपचारिक घोषणा के बाद भी चौटाला बंधुओं में जुबानी जंग जारी है। सोमवार को अजय चौटाला ने अपने छोटे भाई अभय चौटाला पर जमकर तंज कसे। अजय चौटाला ने कहा कि उन्होंने पार्टी झंडा और चश्मे का निशान अभय को सौंप दिया है, अब अभय में यह जिम्मेवारी संभालने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि चार दिन बाद जो लोग उसके साथ हैं वो भी दिखाई ना दें। अजय चौटाला सिरसा में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। अजय चौटाला ने कहा कि वे दुष्यंत को हरियाणा की जनता को दे रहे हैं। दुष्यंत जनता के विश्वास को तोड़ने का काम कभी नहीं करेगा। आइए सुनते हैं अजय चौटाला ने इस मौके पर क्या कहा। संभालने की क्षमता होनी चाहिए, संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि महीने बाद तेरे आस पड़ोस में बैठे हुए चार टोटों की दिखाई ना दे। और 5 तारीख के आने के बाद मैं तो निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश में आप लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, सभी जिला मुख्यालयों में गया हूँ, मैंने कोई अनुशासनहीनता की क्या? तो पार्टी के प्रति अपमानजनक एक बात भी कही क्या? तो परिवार के प्रति एक बात भी अपमानजनक कही क्या? ना कहूंगा ना मेरे खून में और ना कहने दूंगा किसी को। दिल्ली की मीटिंग में कह रहा था कोई, उसके लिए अजय ने बेरू ने ये भी कहा कि आप तो मेरी 17वीं करवा रहे थे। मैंने कहा भाई, मैंने तुरंत प्रबंध किया पूरे लोगों को, ना मेरे परिवार के प्रति ना पार्टी के प्रति कोई एक शब्द बोलेगा ना मैं इसे बर्दाश्त कर, और आज भी वही बात कहता हूँ। और फिर भी अगर तेरी भावना आयोजित हुई है, तू मेरे से छोटा है और छोटा ही रहेगा, तो मैं तो चरण चूम के भी माफी मांगता हूँ, इस बात को मन के मत लगाना। मैं किसी को इस तरह की इजाजत ना देता ना करने देता। तो तेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं उनकी भी सुन लिया कर थोड़ी बहुत। वो तो टेलीविजन पे बोलते हैं, आज सुबह सुबह मैं टेलीविजन पे सुन रहा था। मेरे उस अधिकार को भी अनाधिकार चेष्टा करके चैलेंज करने का काम कुछ लोग वहां पर कर रहे थे। काम तीन बातें आपसी नहीं बुजुर्गों साथियों, खैर ये लंबे मसले हैं, आज मौसम भी नहीं है। उन्हें चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू का अनावरण है, हम सब उस खुशी में शामिल हुए हैं और इस पावन पवित्र प्रांगण में है, इसलिए सब आपसे यही गुजारिश और विनती है, क्योंकि मैंने तो उनको सब कुछ झंडा डंडा निशान सौंप दिया और दुष्यंत आपको सौंप रहा हूँ। आपने 1% काबिलियत दिखकर छोड़े तो आप गए गए लाती हो। एक बात का 100% मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, वो सारे विश्वास में घूम पड़ा। चौधरी देवीलाल की वो कभी मुसीबत पड़ती थी ना, तो वो सबसे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली से चल के तेजा खेड़ा जाया करते थे, और तेजा खेड़ा से चल करके फिर उनका रूट होता था गाँव में से होते हुए। तो भाई मैं तो आज मुसीबत में हूँ, और मामा नाना और भाई फेस मारना हो फेस मारू है सारे दिन में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।